हेलो एवरीवन, मेरे पास एक ये TCS NQT का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन है कि सिलेक्शन ऑफ MPCS एग्ज़ाम इंक्लूड ए फिटनेस टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड ऑन ग्राउंड, मतलब MPCS एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जो ग्राउंड पर कंडक्ट होता है। देर विल बी बैच ऑफ 3 ट्रेनिज अपियरिंग फॉर एन टेस्ट इन ट्रैक फॉर 3 राउंड्स, मतलब बैच ऑफ 3 ट्रेनिज मतलब 3 का बैच बनेगा और वो ट्रैक पे जाएंगे 3 राउंड दौड़ने के लिए। यू नीड टू रिकॉर्ड देयर ऑक्सीजन लेवल आफ्टर एवरी राउंड, हमको उनके ऑक्सीजन लेवल को रिकॉर्ड करना है। आफ्टर ट्रेनी आर फिनिश्ड विथ ऑल राउंड कैलकुलेट फॉर ईच ट्रेनी हिज एवरेज ऑक्सीजन लेवल ओवर द 3 राउंड्स एंड सेलेक्ट वन विद द हाईएस्ट ऑक्सीजन लेवल एज द मोस्ट फिट ट्रेनी। हमें उनके जो ऑक्सीजन लेवल हमने कलेक्ट किया है उनको एवरेज निकालना है और ये पता करना है कि किसका एवरेज ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है। अगर जिसका ज़्यादा है वो हो गया हमारा मोस्ट फिट ट्रेनी। इफ़ मोर देन वन ट्रेनी अटेन्स द सेम हाईएस्ट एवरेज लेवल दे ऑल नीड टू बी सिलेक्टेड, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा ट्रेनी का सेम मैक्स एवरेज ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो उन सभी ट्रेनी को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि वो सेलेक्टेड हो गए हैं। डिस्प्ले द मोस्ट फिट ट्रेनी और ट्रेनीज एंड द हाईएस्ट एवरेज ऑक्सीजन लेवल, हमको ये डिस्प्ले करना है कि मोस्ट फिट ट्रेनी कौन है और उसका हाईएस्ट ऑक्सीजन लेवल कितना है। यहाँ पे कुछ नोट्स भी है कि द ऑक्सीजन वैल्यू इंटर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट इज़ नॉट इन द रेंज बिटवीन 1 to 100, मतलब जो हमने ऑक्सीजन लेवल इंटर कर रहे हैं अगर 1 से 100 के बीच में नहीं है तो उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। इफ़ द कैलकुलेटेड मैक्सिमम एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनीज इज बिलो 70 देन डिक्लेयर द ट्रेनी एज अनफिट विथ मीनिंगफुल मैसेज एज ऑल ट्रेनीज आर अनफिट। अगर उनका सभी ट्रेनी का जो एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू है वो 70 से कम है तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि ऑल ट्रेनीज आर अनफिट, मतलब ऑल ट्रेनीज आर अनफिट एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा अगर 70 से बिलो है तो। और एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू शुड बी राउंडेड, मतलब जो एवरेज आएगी उसको राउंड करके हमको डिस्प्ले करना है। ठीक, हमारे पास ये इनपुट वैल्यूज़ है। इनपुट वैल्यूज़ हमारे कुछ इस टाइप में, हमें इनपुट देना है कि 9 लाइंस की इनपुट होगी। फर्स्ट लाइन में ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ फर्स्ट ट्रेनी, सेकेंड लाइन में ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ सेकेंड ट्रेनी, थर्ड लाइन में ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ थर्ड ट्रेनी, ऐसे कर करके हमें 3 वैल्यूज़ देनी है। तीन बार वैल्यूज़ देनी है 3 राउंड्स के लिए। यहाँ पे है हमारी इनपुट वैल्यूज़। इनपुट वैल्यू ऐसे 9 वैल्यूज़ है, 95, 92, 95, फिर 92, 90, 92, 90, 92, 90, ऐसे करके हमारे 9 वैल्यूज़ है और हमें आउटपुट वैल्यूज़ ये मिलेंगी कि ट्रेनिंग नंबर 1 एवरेज ऑक्सीजन लेवल 92, ट्रेनिंग नंबर 3 एवरेज ऑक्सीजन लेवल 92, ऐसे करके। मतलब इसका मतलब ये है कि दो ट्रेनी की एवरेज ऑक्सीजन लेवल सेम है और उन दोनों ट्रेनी की मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में वो आया। अब इसको चलिए कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कोड करके रख दिया, मैंने इसको कोड करके रखा है पाइथन में। अब इस कोड को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैंने 3 लिस्ट डिक्लेयर की है तीनों ट्रेनिंग के लिए, T1, T2, T3। ठीक, फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया है जो चलेगा तीन बार चलेगा, वो तीन तीन करके इनपुट्स लेगा तीनों ट्रेनिंग के लिए। फर्स्ट यहाँ पे x इज इक्वल टू इनपुट, हम इनपुट ले रहे हैं एक इंटीजर, उसे चेक कर रहे हैं कि वो रेंज में है कि नहीं, फॉर x नॉट इन रेंज, अगर नहीं है तो एक वैल्यू प्रिंट, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगी इनवैलिड इनपुट और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वैलिड है तो यहाँ पे T1 फर्स्ट ट्रेनी की फर्स्ट राउंड की वैल्यू हम अपेंड कर देंगे T1 में। सिमिलरली फिर इनपुट लेंगे हम एक इंटीजर, उसको फिर चेक करेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड है तो उसको T2 में ऐड कर देंगे। फिर एक और इनपुट लेंगे x इज इक्वल टू इनपुट, फिर उसको चेक करेंगे कि जो 1 से 100 के बीच में है कि नहीं, अगर नहीं है तो इनवैलिड इनपुट प्रिंट होगा, अगर है तो T3 में अपेंड कर देंगे। मतलब फर्स्ट एक अगर लूप एक बार चला तो फर्स्ट राउंड की वैल्यू तीनों ट्रेनिंग की T1, T2, T3 में अपेंड हो गई। फिर वैसे ही सेकेंड बार चलेगा सेकेंड राउंड की वैल्यू,
थर्ड बार चलेगा थर्ड राउंड की वैल्यू। अब सब सभी राउंड की वैल्यू अपेंड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, उनकी एवरेज ऑक्सीजन लेवल। एवरेज ऑक्सीजन लेवल फाइंड करने के लिए फाइंड करके हम एक एम नाम के लिस्ट में स्टोर कर देंगे। ऐसे फाइंड किए देखिए, सम एम इज इक्वल टू सम टी वन फ्लोर वैल्यू थ्री, मतलब टी वन में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम कर देंगे और फ्लोर वैल्यू निकाल लेंगे थ्री, मतलब राउंड ऑफ करके थ्री निकाल लेंगे, बाई थ्री करके एवरेज ऑक्सीजन लेवल निकल जाएगा टी वन का, टी टू का, टी थ्री का। इसको हम एक लिस्ट में स्टोर कर ले रहे हैं। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, मैक्स फिट इज इक्वल टू मैक्स एम, मतलब जो हमने एवरेज ऑक्सीजन लेवल स्टोर की है तीनों एथलीट्स की, उसमें से जो मैक्सिमम है उसको हम मैक्स फिट में स्टोर कर ले रहे हैं। फिर हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि अगर उनकी तीनों की जो मैक्सिमम मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल है वो अगर 70 से कम है, यहाँ पे ये होना चाहिए मैक्स फिट, जो मैक्स फिट हमें मिला जो सबसे ज़्यादा तीनों में सबसे ज़्यादा जो एवरेज ऑक्सीजन लेवल होगा अगर वो 70 से कम है तो हमें ये एक मैसेज आ जाएगा ऑल ट्रेनीज आर अनफिट। ठीक है, अगर ये नहीं है तो हमको ये यहाँ मिलेगा एक और फॉर लूप लगा के ये चेक करेंगे कि मैक्स फिट जो हमें मिला मैक्सिमम एवरेज ऑक्सीजन लेवल, वो ऑक्सीजन लेवल कितने ट्रेनी का है वो चेक कर लेंगे। एक ट्रेनी का होगा तो एक बार प्रिंट होगा, अलग ट्रेनीज के होंगे तो अलग बार प्रिंट होगा। ये कोड कंप्लीट हो गया, इसको चलिए रन करते हैं। इसमें हम 9 लाइंस के जो इनपुट है वो डालेंगे 95, 92, और यहाँ पे दिख के आ गया कि ट्रेनी नंबर 1, ट्रेनी नंबर 3 इनकी एवरेज ऑक्सीजन लेवल सेम है और मैक्सिमम भी है जो आउटपुट में आ रहा है। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।